राइट. सो बिफोर दिस ब्रेक वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम जब हमें अपना स्कोप क्लियर हो जाता है, तो उसमें से हम चीज ये डिसाइड करते हैं कि हमें खुद क्या बनाना है और आउटसोर्स क्या करना है. जो काम तो मुझे आउटसोर्स करना है वो मैंने साइड पे रखा, और जो काम मुझे खुद करना है उसके बारे में, अगेन प्लीज रिमेम्बर वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है. अदरवाइज मे बी हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने दो बंदों के साथ मिलकर ही ये सारा काम कर लेगा, मे बी अपनी पूरी प्लानिंग टीम बना लेगा, बट राइट नाउ हम प्रोजेक्ट मैनेजर की पीक जो है ना वो पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जो है वो अस्यूम ये करता है कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हो, अनलेस वो खुद कह दे कि यू आर वर्किंग ऑन अ स्मॉल प्रोजेक्ट. तो उसके अंदर ही प्रोजेक्ट मैनेजर, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आप कहने ना पूरा क्लाइमेक्स है, वो हमें पता चलता है. अदरवाइज तो जाहिर है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी इंपॉर्टेंस छोटे प्रोजेक्ट में तो आपको नजर ही ना आए. सो हम अस्यूम ये कर रहे हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट है, और उस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में प्रोजेक्ट मैनेजर माई नॉट बी नोइंग एक्चुअल में. लाइक अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कुछ मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, वेबसाइट बनानी है, और ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो 2 साल के लिए चलते हैं उनका अपना एक वेब पोर्टल बनता है जिसके अंदर टीम मेंबर्स को, इवन ये भी बताया जाता है जो टीम मेंबर्स को, एक नोटिस बोर्ड की तरह वो एक्ट कर रहा होता है कि जी इतने बजे टाइमिंग चेंज हो गई है, कोरोना की वजह से अब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या इस तरह की अनाउंसमेंट्स वहां पे पूरी टीम के लिए होती हैं, छुट्टियां होंगी वगैरह वगैरह, और अपने यूजर्स के लिए भी, स्टेक होल्डर्स के लिए भी वहां पे अनाउंसमेंट करते हैं. इवन प्रोक्योरमेंट वगैरह जो करनी होती है वो भी इस वेबसाइट पे आती है. अब ये वेबसाइट मैंने आपको कहा उस काम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे ये वेबसाइट भी बनवानी पड़ रही है या पोर्टल ये बनवाना पड़ रहा है. अब ये भी मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है. सो दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट स्कोप का हिस्सा, और मैं ये कहता हूँ कि ये मुझे आउटसोर्स करना, ये इधर चला गया. अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं मेरी आईटी डिपार्टमेंट ये खुद बना रहा है, तो फिर मुझे तो इस वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इसके आगे सब पार्ट्स क्या होंगे, तो मैं इस टीम को बुलाऊंगा. इसी तरह जो उसका सिविल वर्क का पार्ट है, मुझे मे बी उसके बारे में कुछ भी ना पता हो, मेरा मेरा बैकग्राउंड शायद और टेक्निकल हो, मे बी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ तो मुझे उसके बारे में पता होगा. हाँ वो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह तो उसके बारे में भी तो शायद मैं बता सकता हूँ, बाकी चीजों के बारे में मैं ये नहीं बता सकता. सो आई वुड रिक्वायर अ टीम, और ये मेरी प्लानिंग टीम होगी, इनिशियल प्लानिंग टीम. और बेसिकली होगा क्या, ये जितने भी मैंने डिपार्टमेंटल हेड्स के नाम लिए हैं, ये डिपार्टमेंट्स के या एरियाज के नाम लिए, जल्दी यहाँ से मुझे एक एक बंदा विद इन ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन मुझे वो मिल जाएगा और वो मुझे असिस्ट करेगा. अच्छा जब मेरे ये पता चल, ये टीम आ जाती है जिनको अपनी रिस्पेक्टिव जो ये जो काम हमें करने हैं उसके बारे में क्लैरिटी होती है, तो फिर हम कहते हैं कि यार अब बैठते हैं और बैठ के जरा इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टेक्निकल काम है, जो मैनेजमेंट के काम है वगैरह वगैरह, पूरा जो स्कोप है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करो. अब ये जब ब्रेक डाउन होता है तो इसके अंदर जाहिर है, लेट्स से ये काम मैं इस तरह ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ये 3 चीजों में मैंने ब्रेक डाउन किया, इस पार्ट को मैंने फर्दर यूं ब्रेक डाउन कर लिया, और इसी तरह बाकी भी है. ये वो पार्ट है जो मैं आउटसोर्स करना चाह रहा हूँ, तो मैं अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, लेकिन बाकी चीजें मैं फर्दर ब्रेक डाउन करता चला जाऊंगा. और इसके एंड पे जो लोएस्ट लेवल होगा उसको मैं कहता हूँ ये मेरा वर्क पैकेज होगा, वर्क पैकेज से आगे मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं करूंगा. नीचे इस तरह बहुत सारे वर्क पैकेजेस सारे इकट्ठे सम अप करके मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए. इस वर्क पैकेज के अंदर एक वर्ड मैं लिख देता हूँ, जनरली पाइपिंग है ये, बट पाइपिंग का मतलब क्या है, पाइपिंग कब कंप्लीट होगी, व्हाट डज इट ऑल इंक्लूड, ये मेरे पास डेफिनेशन इसकी लिखी होती है WBS डिक्शनरी के अंदर. ये जो एलिमेंट नंबर या वर्क पैकेज नंबर 1.3.2.4 है, ठीक है, अगर मैं इसको यूं ब्रेक डाउन करता जाऊं, ये 1.1 है, ये 1.2 है, 1.3 है, एंड देन दिस इज 1.1.2 और ये है 1.1.1, ये 1.1 था तो, और इसी तरह फर्दर आगे ब्रेक डाउन करता हूँ. सो ये डेफिनेशन क्या है, ये मैं WBS डिक्शनरी में लिख देता हूँ. नाउ मेरे पास ये चीज आ जाती है, तो फिर मैं जितने भी वर्क पैकेजेस हैं लास्ट लेवल पे, जितने भी वर्क पैकेजेस हैं जो मैंने आउटसोर्स करना है वो नहीं, क्योंकि उसको तो वो अब प्रोजेक्ट मैनेजर जिसने ये काम करना है वो इसका WBS बनाएगा, हमारा जिम्मा वो नहीं है. हम अपने वर्क पैकेजेस को, मैं ये कहता हूँ कि इनको करने के लिए मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी. लेट्स से एक वर्क पैकेज है कि मुझे अपनी, लेट्स से मैं कहता हूँ
जो ओपनिंग सेरेमनी है वो करना है. नाउ दिस इज अ स्मॉल वर्क बेसिकली, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी इज अ वर्क पैकेज. इसको करने के लिए मुझे क्या कुछ करना है, मुझे वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो मैं अपने पास लिस्ट बना लेता हूँ वर्क पैकेज की, और जितने ये वर्क पैकेजेस मेरे पास आ जाते हैं उनकी एक एक्टिविटी लिस्ट बन जाती है. वो लिस्ट बेसिकली मैं, अब मेरे पास एक्टिविटीज आ गई और मैंने ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है और कौन सी एक्टिविटी बाद में करनी है. ये जो काम है ना, कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है और कौन सी बाद में करनी है, कौन सी एक्टिविटी मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ ये मेरा फर्स्ट डे ऑफ प्रोजेक्ट होगा तो मैं कहता हूँ ये एक्टिविटी मुझे पहले स्टार्ट करनी है, उसके बाद इस एक्टिविटी, और ये 7 दिन चलनी है, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक 1 वीक है. थर्ड डे पर मुझे ये दो एक्टिविटीज, ये थोड़ी लंबी एक्टिविटीज है जो कि मे बी 3 वीक चलें, ये 1 वीक और आ गया, ये दूसरा वीक है, ये तीसरा वीक है, वो आगे चलेगी, फिर एक और एक्टिविटी है वो चलेगी, वगैरह वगैरह. इस तरह कुछ एक्टिविटीज पैरेलल में होंगी, कुछ सीक्वेंस में होंगी, कुछ एक के बाद दूसरी होगी, वगैरह वगैरह. ये सारा करके अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू नो कि यार मेरे प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन क्या बनता है. इस टेक्निक को, इस मेथड को, एंड दिस इज वेरी यूजफुल टेक्निक, इसको हम कहते हैं नेटवर्क डायग्राम बनाना. ये एक नेटवर्क डायग्राम बनेगी. अब मेरे पास क्योंकि सारी एक्टिविटीज जो प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे परफॉर्म करनी है वो आगे भी है, मैं इन टोटल देखूंगा कि मुझे नेटवर्क डायग्राम में कौन सी एक्टिविटी आगे पीछे करके और अल्टीमेटली मेरे पास टोटल ड्यूरेशन कितना बन रहा है. बहरहाल फॉर नाउ मैंने अभी स्केड्यूल का एक एस्पेक्ट देखा इसके अंदर, और वो ये था कि मुझे नेटवर्क डायग्राम पर, हम ये नेटवर्क डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं और ये उन टूल्स एंड टेक्निक्स में से है जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को आनी चाहिए. तो हम नेटवर्क डायग्राम को बनाना सीखेंगे लाजमी इसमें, इसके अंदर ये बड़ा लंबा लेक्चर होगा हमारा, एक्चुअली मे बी ये 3-4 दिन चले हमारा जो स्केड्यूलिंग वाला है. एनीवेज पहले मैंने एक्टिविटी लिस्ट बनाई और फिर उसको मैंने इस तरह अरेंज किया कि मुझे आइडिया हो कि यार कौन सी एक्टिविटी पहले हो रही है, कौन सी बाद में हो रही है. उस बेस पे मैंने एक नेटवर्क डायग्राम बना ली. नेटवर्क डायग्राम के बाद मैं हर एक्टिविटी, अब बेसिकली मैं अगेन थोड़ा सा स्क्रीन को ब्लैंक करता हूँ. WBS डिक्शनरी जो मेरा ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है ना, उस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. जैसे मैंने कहा कि मुझे प्लंबिंग करना है, कल मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मुझे प्लंबिंग एक काम है, मैंने बड़े बड़े कामों को प्लंबिंग में कर लिया, प्लंबिंग के अंदर पाइपिंग, सैनिटरी फिटिंग और इस तरह के काम है. अब पाइपिंग से क्या मुराद है, इसकी जो डेफिनेशन है वो WBS डिक्शनरी में होगी. और इसी तरह मेरे पास देखा जाए तो एक्टिविटीज आ गई है, ठीक है जी, ये एक्टिविटीज की एक लिस्ट है. इन एक्टिविटीज से रिलेटेड मुझे बहुत सारी चीजें एस्टिमेट करनी है और वो आपस में इंटरकनेक्टेड है. मसलन इस एक्टिविटी के ऊपर मुझे रिसोर्सेज कितनी चाहिए होंगी और रिसोर्सेज की टाइप क्या होगी. जैसे ह्यूमन रिसोर्स है तो ह्यूमन रिसोर्स कितनी चाहिए, उनका एक्सपर्टीज लेवल क्या होगा, कितना एक्सपीरियंस, कौन सी क्वालिफिकेशन वाले लोग चाहिए होंगे. इसके बाद मटेरियल है तो मटेरियल किस क्वालिटी का और किस क्वांटिटी का चाहिए होगा, और प्रोजेक्ट के अंदर कब कब चाहिए होगा, ये एक्टिविटी कितनी लंबी है तब मुझे आइडिया होगा. फिर अब मैं अगर कहता हूँ लेट्स से अभी इतनी बात करते हैं, ये मैंने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट की, उसके बाद यहाँ पे मैं ये साथ ये भी कह रहा हूँ कि इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन एस्टीमेट भी मैं लूंगा. ये जो ड्यूरेशन है इट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज दैट आई एम डिप्लॉइंग. अगर मैं 10 बंदे लगाऊंगा तो मे बी इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन कम हो, अगर मैं 5 बंदे लगाऊंगा तो मे बी इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन ज्यादा हो, अगर मैं इसके ऊपर मशीनरी इक्विपमेंट लगा रहा हूँ तो फिर इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, लेकिन अगर मैं मैनुअल कर रहा हूँ तो फिर मे बी इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा. और बिल्कुल इसी तरह इस एक्टिविटी की जो कॉस्ट के एस्टिमेट है वो भी इन्हीं चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं कि भाई रिसोर्सेज कितनी लगाई है, मटीरियल लगाया नहीं है लगाया. सो ये जो बात है ना कि इसका ड्यूरेशन के, हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन का एस्टिमेट, उसका रिसोर्सेज का एस्टिमेट एंड उसका जो कॉस्ट का एस्टिमेट है, ये एक्चुअल में टू एंड फ्रो आपका ना
रहता है. लाइक अगर मैं कहता हूँ यार ड्यूरेशन एस्टिमेट सॉरी इस पे ना 5 रिसोर्सेज लगाऊंगा, दूसरी एक्टिविटी पे 10 लगाऊंगा एंड सो ऑन, ये सारी एक्टिविटीज की मैंने लगा दी और फिर मैं उनके ड्यूरेशन के एस्टिमेट लगाता हूँ, पता चले वो जो मुझे गिवन ड्यूरेशन का डेड टाइम बताया होता सारी एक्टिविटीज इसके अंदर, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है ठीक है, कोई पैरेलल में हो रही है कुछ इस तरह, और ये वो डेड टाइम था, डेडलाइन थी जो मुझे बताई थी कि मुझे प्रोजेक्ट इस टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करना है. तो मैंने जो रिसोर्सेज लगाई हैं पता चल रहा है कि उससे ये बाहर जा रहा है, उससे आगे जा रहा है. तो इसको मैं इस ड्यूरेशन के अंदर लाने के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को फिर चेंज करूंगा, फिर वापस जाऊंगा. रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट मैंने जैसे ही चेंज की पता चले अब कॉस्ट जो है वो जो मेरा बजट का कंस्ट्रेंट है कॉस्ट उससे बाहर चल रही है. टाइम के लिहाज से तो मैंने इसको इन कर लिया है लेकिन कॉस्ट आगे चली गई. अब यहाँ पे हम ये एक गो में नहीं होता, ये याद रखिएगा. अभी फिलहाल आपको ये नजर भी आ रहा है कि एक गो में पॉसिबल नहीं है, हम इसकी ट्यूनिंग करते हैं, कोई एक आगे चला जाता है कोई पीछे चला जाता है एंड सो ऑन. ये तीनों ये याद रखना है आपने, तीन टाइप के एस्टीमेट्स आ रहे हैं एक्टिविटी से रिलेटेड. तीन टाइप के एस्टीमेट है, एक है एस्टीमेट रिसोर्स रिक्वायरमेंट, एक है एक्टिविटी का ड्यूरेशन का एस्टीमेट, एक है उस एक्टिविटी की कॉस्ट के एस्टीमेट. सो एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट, एक्टिविटी ड्यूरेशन एस्टीमेट एंड एक्टिविटी कॉस्ट एस्टीमेट, ये तीनों आपस में इंटरलिंक है और ये एक गो में नहीं होते. एक्चुअल में आपको आइट्रेशंस में ये चीजें रिफाइन करनी पड़ती हैं फाइनल स्टेज पे पहुंचने के लिए. लेकिन फॉर नाउ वी आर जस्ट अस्यूमिंग, अभी आप मतलब जा रहे ये जब हम पढ़ेंगे ये नॉलेज एरियाज और ये सारे प्रोसेसेस के एस्टीमेट कैसे करने हैं तो वहां पे ये पॉइंट हम देखेंगे. लेकिन बिगर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई ये एकदम से आराम से नहीं होगा. इस काम के लिए हमें कुछ चीजें हेल्पफुल होती हैं और वो क्या होती हैं, वो जो मेरे ओपीएस हैं वो हमें एस्टीमेट में बहुत हेल्प करेंगे, वो जो प्रीवियस प्रोजेक्ट का डाटा पड़ा हुआ है वो हमें बड़ा हेल्प करेगा. सो मैं हर एक्टिविटी की रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट कॉस्ट की रिक्वायरमेंट और सॉरी कॉस्ट का एस्टीमेट और जो ड्यूरेशन का एस्टीमेट है कि इस एक्टिविटी पे कितना ड्यूरेशन लगेगा, इस पे कितना लगेगा, इस पे कितनी कॉस्ट लगेगी, इस पे कितनी कॉस्ट लगेगी, ये चेक करूंगा. एक तो मैं इन एक्टिविटी की ओवरऑल कॉस्ट चेक करता हूँ, दूसरा मैं एक टाइमलाइन पे ना एक चीज ड्रॉ करना चाह रहा हूँ. ये कॉन्सेप्ट भी मैं चाहता हूँ कि एट दिस स्टेज आपके माइंड में आ जाए. लेट्स से ये मेरे पास जनवरी का मंथ है, ये मेरे पास फेब है और ये मार्च है एंड दिस इज अप्रैल एंड दिस इज मई सॉरी एंड चलिए इसको जून भी ऐड कर देते हैं. अच्छा ये मंथ है और हम कहते हैं कि जो एक्टिविटी ए इस पे स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी जनवरी में और ये 15 या 10 फेब तक जाएगी. दूसरी एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगी जनवरी के एंड पे 1 फेब से और पूरे फेब में ही रहेगी, दैट्स इट. उसके बाद तीसरी एक्टिविटी है और वो मिड फेब पे 15 फेब या 10 फेब पे स्टार्ट हो रही है और ये मई तक जा रही है. उसके बाद एक और एक्टिविटी है वो 1 मार्च से शुरू होकर अप्रैल तक जा रही है. इधर एक और एक्टिविटी है जो मे बी लेट्स से वो भी इस मंथ तक एंड सो ऑन. तो अब आप देखें इस एक्टिविटी का लेट्स से ये वाली जो एक्टिविटी है इसका टोटल जो कॉस्ट का एस्टीमेट आया वो आया 10,000. लेकिन ये 10 का 10 हमें किस टाइम चाहिए होगा, अगर मैं इसको टाइमलाइन पे देखूं तो इसका आधा हिस्सा या 30% या 40% या 60% मुझे जनवरी में चाहिए, कुछ हिस्सा इस एस्टीमेट का मुझे फेब में चाहिए. तो मैं कहता हूँ लेट्स से हाइपोथेटिकली 6,000 मुझे अभी चाहिए जनवरी में और 4,000 मुझे फेब में चाहिए. इसी तरह इसकी जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, मुझे इनिशियली में भी 4 बंदे चाहिए डेवलपर और बाद में आखिरी मंथ में 4 टेस्टर चाहिए तो उस कोड को लेट से टेस्ट करेंगे वगैरह वगैरह, ये ठीक है, या कुछ और टाइप के रिसोर्सेज चाहिए. एंड बिल्कुल इसी तरह इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ इसकी होंगी, कुछ इसकी होंगी. तो मैं ना सिर्फ हर एक्टिविटी की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट देख रहा हूँ, एस्टिमेट लगा रहा हूँ, बल्कि उसके कॉस्ट एस्टिमेट भी लगा रहा हूँ एज वेल एज उसके ड्यूरेशन एस्टिमेट भी लगा रहा हूँ और फिर इन तीनों एस्टिमेट को मैं टाइम के लिहाज से भी चेक कर रहा हूँ कि जनवरी में मुझे कितना बजट चाहिए होगा और कितनी रिसोर्सेज चाहिए होंगी ओवरऑल. और इसी तरह फेब में सोचें कि 4,000 इसका है, 3,000 में भी इसका चाहिए हो या 8,000 चाहिए इस पूरी एक्टिविटी की, पूरी फेब में हो रही है
इसका मे भी 4000 चाहिए हो, तो मुझे फेब में टोटल कितना बजट चाहिए होगा। बास दफा ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बास दफा आपका प्रोजेक्ट का ये जो इनिशियल प्लान बनता है, ये प्लान ओवरऑल तो विद इन गिवन बजट भी हो रहा होता है, विद इन गिवन टाइम भी हो रहा होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भाई जनवरी में मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या फेब के मंथ में सारी एक्टिविटीज मेरी फेब के मंथ में ना बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है और मेरे पास फेब के मंथ में इतना पैसा है ही नहीं। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के कैश फ्लोज है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले वो आपको असिस्ट करते हैं कि भाई हमारे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इस ऑर्गेनाइजेशन के फेब में इतने नहीं है, काइंडली इसको एडजस्ट करें। तो ओवरऑल तो हमारे कंस्ट्रेंट के अंदर है हम, बट इंटरनली देखें टोटल बजट के अंदर प्रोजेक्ट हो रहा है, टोटल टाइम के अंदर हो रहा है, बट इंटरनली हम ये रियलिस्टिक प्लान ही नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर को दोनों चीजें देखनी है, ये बात आपको क्लियर होगी सबको। आगे मजीद ये रिपीट जरूर होती रहेगी, एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा कि प्लानिंग के अंदर हम क्या कुछ कर रहे हैं। अब एक्चुअल में प्रोजेक्ट मैनेजर को सर मैनेजर को एक्सटर्नल भी देखना है, क्योंकि फेड के अंदर इंटरनली भी देखना है, डिपार्टमेंट्स उस चीज को कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डिपार्टमेंट आपको आपने अस्यूम कर लिया जी कि जनवरी के अंदर जो है ना वो हम 3 डेवलपर लगा देंगे, और जिस डिपार्टमेंट ने आपको डेवलपर देने हो वो है ही नहीं, वो कहता है भाई उस वक्त तो हमारी सारे डेवलपर ऑलरेडी कहीं डिप्लॉय हुए हैं। एक्चुअल में ये हम जब हम प्लानिंग पढ़ेंगे ना, ये जो मैंने डिटरमाइंड प्लानिंग टीम कहा था, प्लानिंग के लिए एक बुनियादी चीज है और वो आपने अजबर कर लेनी है। ये मैंने आपको पहले लाइक 2-3 किसी लेक्चर में हाईलाइट भी की थी, वो ये अगर आप प्लानिंग खुद करोगे ना तो आपके प्लान कभी भी रियलिस्टिक नहीं होंगे। लाइक आपने एक बंद कमरे में बैठ के और प्लान कर लिया, और जब आप प्लान करने गए उसके बाद एग्जीक्यूशन में गए या उस प्लान का अप्रूवल लेने गए, तो उस डिपार्टमेंट ने वहां पर शोर मचा दिया कि भाई ये आपने कैसे अस्यूम कर लिया कि हम आपको 3 रिसोर्सेज दे देंगे इस मंथ में, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम आपको बहुत हुआ तो एक बंदा दे सकते हैं। तो इसे वो आपको याद है कि मैंने ये एग्जाम्पल दी थी, डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर वो सीलिंग ऊपर हमने एयर कंडीशनिंग के लिए वो सीलिंग में तोड़ फोड़ करनी थी, और हमने कहा था कि वो थर्सडे को कर लेता वगैरह वगैरह, अगर आपको पिछले लेक्चर याद हो। हम प्लानिंग करने का बुनियादी असूल ये है कि आप प्लानिंग के अंदर स्टेक होल्डर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करें। अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी प्लानिंग कभी भी रियलिस्टिक नहीं होगी, और उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम कैसे लगेगा, आप अपनी तरफ से ये देखें, अभी मैंने आपको बताया, अभी तो सिर्फ हमने एक चीज पढ़ी है कि आपकी रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज की क्वांटिटी और उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन होगा उसकी कॉस्ट ऊपर जाएगी। अच्छा, फिर रिसोर्सेज कॉस्ट और टाइम कम लगेगा, इसके दरमियान बैलेंस अचीव करने में बहुत टाइम लग जाता है। आप ये सारी सेटिंग करके गए और वहां पे 2 डिपार्टमेंटल हेड ने कह दिया कि ना मैं रिसोर्सेज दे सकता हूँ जनवरी में या फेब में या मार्च में, ना ये डिपार्टमेंट कहता मैं दे सकता हूँ, अब आपके ये सारी मेहनत जीरो हो गई। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने बैड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस की, आपने टीम को इन्वॉल्व नहीं किया। जब प्लानिंग के लिए बुनियादी असूल ये है कि आप उन लोगों को इन्वॉल्व करें जिन्होंने एक्चुअल में वो काम करना है, बिकॉज ओनली दे कैन प्रोवाइड यू द बेस्ट रियलिस्टिक एस्टिमेट। अच्छा, लेकिन एट दिस स्टेज हम देखें तो ये हमारी एक छोटी सी लिमिटेशन है, अभी हमने टीम तो हायर ही नहीं की, अभी तो हमारा प्लान ही नहीं बना। एट दिस स्टेज हम एक्चुअल में उन लोगों से तो जाहिर है ये एस्टिमेट नहीं ले सकते जिन्होंने एक्चुअल में काम करना है, बट एटलीस्ट उन लोगों से तो आप एस्टिमेट लो ना जो उन एक्टिविटीज के बारे में नॉलेज या इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे आईटी से रिलेटेड काम है तो आईटी वाले से लो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है तो इंजीनियरिंग वाले से लो, फाइनेंस से रिलेटेड काम है तो ये फाइनेंस वाले का इनपुट लो लाजमी। सो बेस्ट ये है, आइडियल केस ये है, आप ये एस्टिमेट्स उन लोगों से लें जिन लोगों ने ये काम करना है। बट एज आई टोल्ड यू कि अर्ली प्लानिंग स्टेजेस पे जब हम बिल्कुल अभी फर्स्ट टाइम प्लान बना रहे हैं तो उस वक्त तो हमारे पास टीम होती नहीं है, मतलब जो प्रॉपर टीम जिन्होंने काम करना है वो पूरी टीम अभी हमने एक्वायर नहीं की है। वो एक्वायर तो तब होगी जब हम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बना के HR डिपार्टमेंट को भेजेंगे, डिफरेंट फंक्शनल हेड्स उसको अप्रूव करेंगे और वो हमें लोग भेजेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन इनिशियली हम इतना जरूर कर सकते हैं,
ऐसे लोगों को अपनी प्लानिंग टीम का हिस्सा बनाएं जिनको इन कामों से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज है। दैट इज व्हाई जब WBS बना था और ये जो एस्टिमेट करने हैं एक्टिविटीज के, इससे पहले मुझे वो टीम चाहिए थी। ये टीम हमने इसलिए यहाँ पे प्लानिंग टीम शामिल की है, पॉइंट यहाँ पे आया इसलिए। सो नाउ मैं एस्टिमेट करूंगा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को, मैं एस्टिमेट करूंगा एक्टिविटी ड्यूरेशन का, मैं एस्टिमेट करूंगा एक्टिविटी की जो कॉस्ट है उनको, और उसके बाद मैं क्रिटिकल पाथ वो डिटरमाइन करूंगा। अब ये क्रिटिकल पाथ एक टेक्निकल टर्म है जो आप फाइंड करना शुरू सीखोगे। नेटवर्क डायग्राम के थ्रू हम अपना क्रिटिकल पाथ फाइनल करते हैं, नेटवर्क डायग्राम के थ्रू हम अपना क्रिटिकल पाथ फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पाथ क्या है? ये वो पाथ है जो आपके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बताता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं although जैसे मैंने कहा कि ये हम पढ़ेंगे, बट एट दिस स्टेज में आपके माइंड में एक हल्का सा इसका खाका बनाना चाहता हूँ, वो ये कि लेट्स से एक एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी, इस एक्टिविटी ने 7 दिन चलना है, एक्टिविटी बी जो है उसने 5 दिन चलना है, लेकिन ये एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक ये एक्टिविटी ए कंप्लीट ना हो, ठीक है। एक्टिविटी बी स्टार्ट नहीं हो सकती, और इसी तरह एक्टिविटी सी है उसने 8 दिन चलना है, और ये भी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कंप्लीट हो जाए, और फिर एक्टिविटी डी है और उसने चलना है लेट से 3 दिन, और ये भी उस वक्त स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक एक्टिविटी ए कंप्लीट हो। तो इसको हम नेटवर्क डायग्राम पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है जी। अब आगे एक एक्टिविटी और है, और लेट से वो है एक्टिविटी ई। ये हम कहते हैं स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक सी एंड डी दोनों कंप्लीट ना हो जाए। ये टेक्निक आपको मैं पूरी बताऊंगा, बट अभी मैं एक जनरल आइडिया देने के लिए, जब तक एक्टिविटी सी और डी दोनों कंप्लीट ना हो जाए उस वक्त तक हम एक्टिविटी ई स्टार्ट नहीं कर सकते, और एक्टिविटी का अपना जो ड्यूरेशन है लेट्स से वो है 5 डेज। उसके बाद मेरी आखिरी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है, और वो तब होगी जब स्टार्ट हम कर सकते हैं जब मेरी बी एक्टिविटी एज वेल एज एक्टिविटी ई दोनों खत्म ना हो जाए, और इसका अपना ड्यूरेशन 10 डेज है, और लेट से वो एक्टिविटी एफ है, तो ये भी खत्म होगी और एफ भी खत्म होगी, ये तब हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखें, मुझे अगर ये पता करना है मेरे प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन कितना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्रोजेक्ट के ऊपर होने वाली है, जो मैंने नेटवर्क डायग्राम बनाया है, इस नेटवर्क डायग्राम के मेरे पास कितने पाथ बनते हैं, एक पाथ बनता है एक्टिविटी ए बी एंड एफ, एक्टिविटी ए बी, ये एक पाथ बना। दूसरा पाथ क्या है, एक्टिविटी ए एक्टिविटी सी एक्टिविटी ई एंड एक्टिविटी एफ, तो ए सॉरी सी ई एंड एफ। उसके बाद एक और पाथ बनता है एक्टिविटी ए डी ई एंड एफ, तो ए डी एंड इसमें सबसे लंबा पाथ कौन सा है? अगर मैं पहला देखूं ए बी एंड एफ, तो एक्टिविटी ए 7 डेज ले रही है, बी 5 डेज ले रही है, 7 + 5 = 12 एंड 12 + 10 = 22, ये एक पाथ है। दूसरा पाथ देखते हैं 7 + 8 = 15 + 5 = 20 + 10 = 30, ये मेरे पास दूसरा पाथ आ गया। तीसरा पाथ देखें 7 + 3 = 10 + 5 = 15 + 10 = 25, तो अगर मैं ये कहूं नो मैटर हाउ क्विकली आई फिनिश एक्टिविटी बी, जैसे मैं 5 दिन में खत्म करके बैठ गया, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रही जब तक ये भी खत्म ना हो जाए, ये भी खत्म ना हो जाए, ये भी खत्म ना हो जाए, तो अब आप देखें मेरे पास एक्टिविटी बी को चाहे मैं 5 दिन में खत्म करूं चाहे 10 दिन में खत्म करूं, मेरे पास एक मार्जिन आ गया, क्योंकि इस एक्टिविटी का आगे पीछे होने से मेरा टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन नो मैटर व्हाट वो 30 डेज में ही खत्म होगा। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द क्रिटिकल पाथ जो आपके टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बताता है। हम इसको दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आई होप आपको एक इनिशियल आइडिया इससे जरूर हो गया होगा कि नेटवर्क डायग्राम कैसे बनती है,
और इसके अंदर क्रिटिकल पाथ हम कैसे फाइंड करने, और क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या है। क्रिटिकल पाथ का मतलब है वो शॉर्टेस्ट अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। हमने अभी एग्जांपल में देखा वो 30 दिन से पहले किसी सूरत नहीं हो सकता। सो शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन भी मेरे प्रोजेक्ट का 30 डेज है। लेकिन इट वॉज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑन द नेटवर्क डायग्राम, जो अभी हमने नेटवर्क डायग्राम पे उसके लॉन्गेस्ट पाथ ये बना था। एक का ड्यूरेशन में 15 दिन था, एक में 25 डेज था, और तीसरा 30 डेज वाला लॉन्गेस्ट पाथ था। बट दिस इज द लीस्ट टाइम दैट वी रिक्वायर टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ, दैट इज क्रिटिकल पाथ। एनीवेज, अभी तक ये जो कुछ भी मैं प्लान कर रहा हूँ, जो कुछ भी, चाहे मेरा स्कोप है, चाहे मेरे ये एस्टिमेट्स है, चाहे ये क्रिटिकल पाथ है, और आगे चाहे मैं अपना स्केड्यूल फाइनल करूं और अपना बजट बनाऊं, ये जितनी भी चीजें हैं ये फाइनल नहीं है, ये हतमी नहीं है। व्हाई? क्योंकि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है और वो काम है रिस्क आइडेंटिफिकेशन का। विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। लेकिन जब तक हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन नहीं कर लेते, उस वक्त तक हम इन प्लान्स को, ये स्कोप को, मे बी ये प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स को, अपने WBS को, अपनी एक्टिविटीज के लिस्ट को, नेटवर्क डायग्राम को, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को, एंड सो ऑन, अपने स्केड्यूल को, अपने बजट को, अपने क्रिटिकल पाथ को, मैं कुछ भी क्लोज नहीं कर सकता। एक इनिशियल ड्राफ्ट आप कह लें या सेकेंडरी ड्राफ्ट में जरूर बनाता चला जा रहा हूँ कि भाई ठीक है, ये दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अभी फाइनल नहीं होगा ना, मैं इसको लेके एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम मेंबर अभी मैं इसको फाइनल अप्रूवल के लिए भी स्पॉन्सर के पास नहीं लेके जाऊंगा। क्यों नहीं लेके जाऊंगा? क्योंकि अभी रिस्क आइडेंटिफिकेशन रहती है, और रिस्क आइडेंटिफिकेशन का इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। एनीवेज, अच्छा जी, मेरा नेक्स्ट काम ये है कि अब मैं अपने स्कोप को मैंने सामने रखा, और प्लस उस स्कोप के साथ वो जो हमने रिक्वायरमेंट दूसरी गैदर की है उसमें क्वालिटी की भी कुछ रिक्वायरमेंट हमारे पास आई होगी। अब या तो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट हमारे पास जी, जी साथ सर, क्रिटिकल पाथ आपने क्या डेफिनेशन बताई थी? ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑन द नेटवर्क डायग्राम एंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन व्हिच वी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अच्छा, लॉन्गेस्ट पाथ इन नेटवर्क डायग्राम एंड शॉर्टेस्ट इन, ठीक है ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन व्हिच वी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, सो फिलहाल आप ये समझे कि ये प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन इतना होता है फॉर द टाइम बीइंग, आप इतना में रखें, इससे जल्दी हम नहीं कंप्लीट कर सकते प्रोजेक्ट। अच्छा, मैंने प्रोजेक्ट का जब स्कोप लिखा और ये जो सॉरी रिक्वायरमेंट गैदर की थी, यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट गैदर की थी, यहाँ पे या तो कस्टमर ने क्लियरली हमें कहा होगा कि भाई ये रिक्वायरमेंट मेरी क्वालिटी की ये है कि आपने यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो करना है, कोई भी स्टैंडर्ड या क्वालिटी रिक्वायरमेंट वो बता देगा, या फिर वो आपको अगर ले मैंने तो वो आपको ले मैन टर्म्स में बताएगा यार मसाला जो है ना वो 1:1:3 का रखना है आपने, 1:3 मीन्स सीमेंट जो है वो 1 हो और 3 सैंड हो और 3 आपका वो क्रश वगैरह हो वगैरह वगैरह, कोई भी अगर ले मैन टर्म्स में ये बता रहा है, या वो मे बी कहेगा कि यूरोपियन स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है या और कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड क्वालिटी का आपको बता दे कि आपने मेरे प्रोजेक्ट पे करना है, या फिर आपने एज एन वो जो आपकी जो टीम है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट बैठे हुए, वो आपको बताएंगे कि भाई ये साहब कह रहे हैं कि 10 स्टोरी का प्लाजा है वो, तो इस 10 स्टोरी के प्लाजे की जो स्ट्रेंथ होगी, नीचे हम दीवारें खड़ी करेंगे, जो कॉलम होगा, कितना मुझे उसके अंदर स्टील लगाना है, कितने क्रश, ये जो क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है ना, बेसिकली ये क्वालिटी डिपार्टमेंट में भी हमें इसमें असेस करें, इस टाइप की इतनी ऊंची बिल्डिंग के लिए आपको ये क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, तो हम या तो हमें एक्सप्लिसिटली कस्टमर की तरफ से ये बता दिया जाएगा कि क्वालिटी की ये रिक्वायरमेंट है, या फिर मतलब ये स्टैंडर्ड है, या फिर इनडायरेक्टली बताया जाएगा कि आपने क्वालिटी का ये स्टैंडर्ड रखना है, या आपने एज अ टीम ये डिटरमाइन करना है कि हम कौन सा क्वालिटी का स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, और ये सिर्फ मतलब कंस्ट्रक्शन या सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, इनफैक्ट आपने तमाम रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो क्वालिटी के हैं, लाइक इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या होगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्वालिटी से क्या मुराद है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि समटाइम्स हम लेट्स से टेलर के पास अपना सूट देते हैं
और वो सूट जो है ना वो हमें बहुत अच्छा बना के देता है, बहुत फिटिंग का बना के देता है, लेकिन वो आपको इतना ख्वार करता है उस चीज के लिए, कीमत भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन ख्वारी आपने इतनी काटी था, आप आइंदा कहते हो कि भाई मैंने इस टेलर के पास काम नहीं करना। अब आप देखिए टेक्निकल क्वालिटी और बाकी सारी चीजें उसने मीट की, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो थी या आपके साथ जिस तरह उसने ये काम किया वो इतना गंदा था, उसकी क्वालिटी इतनी पुअर थी कि आपने कहा कि आइंदा मैंने इसके साथ काम नहीं करना। सो सेम गोज इन इन केस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या क्वालिटी रखनी है, क्या आपने पीएमआई का स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये भी आप बताओगे। सो आप अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड हर हर चीज का, इलेक्ट्रिकल काम वो किस स्टैंडर्ड पे करना है, कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड जो आईटी वाले काम है वो किस स्टैंडर्ड पे करने, जो सिविल इंजीनियरिंग का काम है पेंट किस क्वालिटी का होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये दोनों चीजें आपने सामने रख के अपनी रिक्वायरमेंट बना लेना है। ये स्टैंडर्ड अचीव कैसे करोगे भाई, उसके लिए कोई प्रोसीजर बनाओगे, कोई मैट्रिसेस बनाएंगे कि भाई लेट्स से जब मटेरियल आएगा ब्रिक्स आएंगी तो मैं उस वक्त 10,000 ब्रिक्स आएंगी तो उसमें से मैं 50 ईंटों को इस तरह तोड़ के देखूंगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, सैंपल लेके उसकी स्ट्रेंथ चेक करूंगा वगैरह वगैरह, और अगर इस 50 में से मेरी 40 ब्रिक्स ठीक निकली या 45 ठीक निकली तो मैं कहूंगा कि ओके फाइन ये 10,000 मुझे एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो क्या प्रोसीजर होंगे कि आप क्वालिटी को इंश्योर करोगे और उसके लिए मैट्रिसेस कैसे बनाओगे। मैट्रिसेस यही है, ये जो मैंने अभी आपको वर्बली बताया सारा कुछ, एक टेबल हम बना लेते हैं कि ओके 10,000 रिसीव्ड और उसमें से 10 में सैंपल लिया, सैंपल में टेस्ट किया, टेस्ट में पास कितने हुए वगैरह वगैरह। इसी तरह आपकी मैट्रिसेस इस तरह की भी वो ग्राफ की शक्ल में भी बन जाती है, आप कहते हो कि दिस इज द ऑप्टिमल पॉइंट या कुछ भी, हम पढ़ेंगे सारी मैट्रिसेस का, ठीक है। बट इन जनरल इट्स समथिंग जो हम एक टूल या एक एक मेजर यूज करेंगे टू चेक कि भाई हमारा ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हमने सोचा था वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको प्रोसीजर्स के थ्रू हम फॉलो करेंगे और मैट्रिसेस के थ्रू हम उसको चेक करेंगे। तो अगर मैं ये कहूँ क्वालिटी स्टैंडर्ड हम डिटरमाइन करेंगे तो ये है मेरा हाउ टू प्लान, जो क्वालिटी नॉलेज एरिया का प्लान बनेगा उसमें हाउ टू प्लान में हम ये चीजें लिखेंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होंगे, उसके प्रोसीजर्स जो हमने फॉलो करने हैं वो भी मैं हाउ टू प्लान में लिखूंगा, और वो क्या क्या मैट्रिसेस होंगी जो हम यूज करेंगे टू असेस, ये भी प्लान बन जाएगा। और एग्जीक्यूटिंग के अंदर हम इन स्टैंडर्ड्स को, इन प्रोसीजर्स को, इन मैट्रिसेस को हाथ में पकड़ के, आप सोचें कि लैब कोट पहन के वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में आए हुए और वो इंश्योर कर रहे हैं कि ये प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं, ये स्टैंडर्ड्स अटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे, और फिर जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है जो भी डिलीवरेबल्स जिसको मैं इंटरिम डिलीवरेबल्स कह रहा था वो साथ साथ बनते जा रहे हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल वाले उसके ऊपर इंस्पेक्शन करके चेक भी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये बातें हम आगे पढ़ेंगे, बट एट दिस स्टेज इन द प्लानिंग हम ये सारे काम कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चले और एट दिस स्टेज आपको ये अंदाजा होगा कि ये भी किसी हद तक लिंक्ड है विद रिसोर्स रिक्वायरमेंट, किस टाइप की रिसोर्सेज चाहिए, किस क्वालिटी की रिसोर्सेज चाहिए, यह तो मुझे क्वालिटी स्टैंडर्ड बताएगा। यहां से हो सकता है कि आपको कुछ चीजें दोबारा रिव्यू करनी पड़े और इसी वजह से हमने अभी इसको लॉक नहीं किया, कुछ भी लॉक नहीं किया, और जैसे रिसोर्स रिक्वायरमेंट हुई चेंज पता चला कि अब आपकी कॉस्ट भी रिवाइज करनी पड़ रही है एंड सो ऑन। फिर हम आते हैं रिसोर्सेज जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हम एक टीम का चार्टर बनाते हैं, अभी टीम आई नहीं है लेकिन उनका चार्टर बनता है। टीम का चार्टर के अंदर क्या होता है कि टीम कैसे कंडक्ट करेगी, लीव के प्रोसीजर्स क्या होंगे, टीम की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी वगैरह वगैरह, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होंगी, फिर डिफरेंट रोल्स को प्लान करने परफॉर्म करने के लिए आपको उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हमें उनकी यू नो एक्सपीरियंस कितना चाहिए एंड सो ऑन। अच्छा, ये बातें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होंगी अगर आपके माइंड में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे प्रोजेक्ट, अगर आपके माइंड में एक इंटरनेशनल लेवल का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल मुझे एक नया न्यूज चैनल खोलना है जो कि टक्कर का हो, तो दैट मींस अब आप सोचे मुझे टेक्निकल मशीनरी कितनी चाहिए, मुझे उसके लिए पूरे दुनिया के अंदर अपने रिपोर्टर्स हायर करने एंड सो ऑन, ये मैं सिर्फ दो बताया, उसमें
इतने बड़ी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनको जब मैंने हायर करना है तो अखबार में एड कब देना है, इनका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो वो सारे के, और ये लोग आएंगे जिसको हम वो कहते हैं जेडीज, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह वो क्या होंगी, ये हम शुरू में ही प्लान कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको ये बातें थोड़ी सी अनरियलिस्टिक अगर किसी को लगती हैं तो ये जहन में रखिएगा, अनरियलिस्टिक एज कम्पेयर टू व्हाट वी डू इन आवर प्रोजेक्ट्स वो लग रही होंगी, बट व्हाट शुड एक्चुअली हैपन ऑन प्रोजेक्ट, जो कि हमारा एग्जाम में आप एक्सपेक्टेशन है कि आप प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करोगे पीएमआई के स्टैंडर्ड के मुताबिक, हम वो सीख रहे हैं। तो काइंडली व्हाट इज हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन उसको आप बिल्कुल साइड में रखें, हम वो पढ़ रहे हैं विच इज बेस्ट प्रैक्टिस, विच कम्स अंडर बेस्ट प्रैक्टिस। सो अगर आप, और मैंने आपको ये भी कहा था कि शुरू में कि हम जनरली उस बंदे को अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर समझते हैं जो प्रोजेक्ट के दौरान जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसको अच्छा मैनेज कर ले, बट आई टोल्ड यू दैट दैट इज अ बैड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपसे डिमांड ये करती है कि आप पहले से चीजों को प्रोएक्टिव वे में, आप में से किसी ने कहा भी था कि प्रोएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव वे में आप चीजों को पहले से प्लान कर ले। आप सोचे ना कि मुझे प्रोक्योरमेंट करनी है 3 साल बाद प्रोजेक्ट या 2 साल बाद, और मैंने अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी बना ली है, उसका एक मेजर ड्राफ्ट भी बना लिया, और मैं इसके लिए चीजें किस रिक्वायरमेंट में करूंगा, मतलब उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा वो भी बना लिया, मुझे कौन कौन से बंदे किस वक्त हायर करने हैं। जाहिर है मैं 3 साल के लिए पूरी टीम को तो हायर नहीं करूंगा, लेट्स से मुझे अगर इलेक्ट्रिकल का काम सिर्फ 4 महीने करवाना है तो मैं उसको 4 महीने ही अपने पास रखूंगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं उस टीम को, इलेक्ट्रिकल वाले जो भी टीम है उसको मैं 3 साल के लिए पैसा देता रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। सो उनको हायर करना है, किस वक्त करना है, अखबार में एड क्या देना है, सब कुछ अभी प्लानिंग के वक्त फाइनल हो रहा है। और ये प्लान पे अगर आप टाइम पूरा लगाते हैं तो फिर क्या है, फिर आपने एक सीक्वेंस में प्रोजेक्ट मैनेजर सुबह उठ के और सबको बुला के अपने कमरे में, या इवन बुलाने की भी जरूरत नहीं है, उनके साथ प्लान शेयर होगा और सब लोग अपना अपना काम करेंगे और प्रोजेक्ट मैनेजर अब बिल्कुल फ्री है। प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ जगह जगह लोगों को फोन करके पूछ रहे हैं, हाँ भाई को मसला है, हमें कितना हुआ है, प्लीज अपडेट मी, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दैट, और वगैरह वगैरह। उसका काम फिर एक अंपायर, एक मॉनिटर या एक बॉस का रह जाता है जिसने सब कुछ करके फाइनल करके लोगों को दिया हुआ है। और ये माइंडसेट होना एग्जाम के पास करने के लिए बहुत लाजमी है कि आपने भाई सब कुछ डिटेल में प्लान किया था। एनीवेज, आगे हम आते हैं और आगे हम देखते हैं कि यार हमने कम्युनिकेशन को कैसे प्लान करना है। प्लान से मुराद आपस में ईमेल्स करनी है, वो जो हमारी साइट पर लोग बैठे हुए हैं वहां पे तो ईमेल नहीं है तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, या उनको वेबसाइट वेब पोर्टल के थ्रू जो है अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, या फोन कॉल्स के थ्रू करनी है। रिपोर्ट्स अगर बनानी है तो रिपोर्ट्स ग्राफिकल होंगी, ग्राफ होंगे, चार्ट होंगे, क्या होगा उसका स्केल कितना होगा, कब कब मीटिंग्स, मीटिंग्स भी इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, मीटिंग्स कब कब होनी है, मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे, एजेंडा कैसे इशू होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे बनाने हैं, वगैरह वगैरह, वो सारे प्लान्स बन जाते हैं इसी स्टेज पे। और इसमें भी हम वो रिक्वायरमेंट्स को जरूर मद्देनजर रखते हैं कि जी हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, क्योंकि हो सकता है जो स्पॉन्सर है उसने हमें एक खास किस्म की कम्युनिकेशन कह रहे, मुझे रोज तंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे 15 दिन बाद बस ये रिपोर्ट भेज देना। टॉप मैनेजमेंट के लिए ये होगा, कस्टमर अपनी